ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट्स इतिहास दो मिनट में। ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट्स हिस्ट्री इन टू मिनट्स। 1043 एडवर्ड द कन्फेसर को विंचेस्टर कैथेड्रल में इंग्लैंड के राजा के रूप में राजतिलक किया गया। 1043 एडवर्ड द कन्फेसर वॉज क्राउन्ड किंग ऑफ इंग्लैंड एट विंचेस्टर कैथेड्रल। 1471 गुलाबों के युद्ध, लैंकेस्टर और यॉर्क के सदनों के बीच एक वंशवादी संघर्ष के दौरान इंग्लैंड के राजा एडवर्ड चतुर्थ को हेनरी छठे द्वारा कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका गया। 1471 एडवर्ड द फोर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड इज ब्रीफली ओवरथ्रोन बाय हेनरी द सिक्स्थ ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ द रोजेस, अ डायनास्टिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हाउसेज ऑफ लैंकेस्टर एंड यॉर्क। 1559 यूरोप में सबर्गवेलोज युद्धों को औपचारिक रूप से समाप्त करते हुए फ्रांस और स्पेन के बीच कैटो कैम्ब्रेसी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1559 द पीस ऑफ कैटो कैम्ब्रेसिस इज साइंड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फॉर्मली एंडिंग द हैब्सबर्गवेलोज वॉर्स इन यूरोप। 1680 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उन्हें उनकी सैन्य शौर्य और रणनीतिक नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर पासेस अवे। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज मिलिट्री प्रोवेस एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। 1783 संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन ने राजनयिक और व्यापार संबंध स्थापित करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए। 1783 द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्वीडन साइन द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉमर्स एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमैटिक एंड ट्रेड रिलेशंस। 1860 पोनी एक्सप्रेस मेल डिलीवरी सेवा की शुरुआत हुई, जो कि तेज मेल सेवा प्रदान करती थी। सेंट जोसेफ मिसौरी से सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया तक होती थी, हॉर्स माउंटेड राइडर्स के परिचालन के साथ। 1860 द पोनी एक्सप्रेस मेल डिलीवरी सर्विस बिगैन ऑफरिंग फास्ट मेल सर्विस फ्रॉम सेंट जोसेफ। 1894 भारत में पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, जो लॉर्ड हॉक के नेतृत्व में अंग्रेजी क्रिकेट टीम और पारसी टीम के बीच पारसी जिमखाना ग्राउंड मुंबई में खेला गया। 1894 द फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच इन इंडिया वॉज प्लेड बिटवीन द इंग्लिश क्रिकेट टीम लेड बाय लॉर्ड हॉके एंड द पारसी टीम एट द पारसी जिमखान ग्राउंड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। 1913 महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ाई में अपने सक्रियता के लिए ब्रिटिश नारीवादी एमिलिन पंखुर्स्ट को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1913 ब्रिटिश सफ्रागेट एमिलिन पंखुर्स्ट इज सेंटेंस टू 3 years इन प्रिजन फॉर हर एक्टिविज्म इन द फाइट फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स। 1922 व्लादिमीर लेनिन ने जोसेफ स्टालिन को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया, जिससे स्टालिन के सत्ता में आने की राह प्रशस्त हुई। 1922 व्लादिमीर लेनिन अपॉइंट्स जोसेफ स्टालिन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, सॉलिडिफाइंग स्टालिन्स राइज टू पावर। 1930 एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी रामनाथ चोपड़ा को लाहौर षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश राज द्वारा फांसी दे दी गई। 1930 रामनाथ चोपड़ा अ प्रोमिनेंट इंडियन रेवोल्यूशनरी इज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश राज फॉर हिज रोल इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 1948 मार्शल योजना आधिकारिक रूप से यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री जॉर्ज मार्शल द्वारा प्रस्तावित की गई, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक पुनर्निर्माण की सहायता करना था। 1948 द मार्शल प्लान ऑफिशियली नोन एज द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम वॉज प्रपोज्ड बाई US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल, एमिंग टू एड द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यूरोप। 1948 भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मुक्त राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के कौंसिल हाउस
जो अब विधान भवन के रूप में जाना जाता है, में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पहली बार उड़ाया गया। 1948, India's national flag was hoisted for the first time in the free nation's capital, Delhi's Council House, now known as Vidhan Bhavan, by Dr. Rajendra Prasad, who later became the first president of India. 2007, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में शुरू हुआ, जो क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर केंद्रित है. 2007, the 14th SAARC Summit, South Asian Association for Regional Cooperation, begins in New Delhi, India, focusing on regional cooperation and development. 2010, Apple ने iPad लॉन्च किया, एक क्रांतिकारी टैबलेट कंप्यूटर जो मोबाइल डिवाइस परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. 2010, Apple launches the iPad, a revolutionary tablet computer that significantly impacts the mobile device landscape. Thank you. Please subscribe channel.